उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत। सो वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स क्रैक जेपीएससी पीएससी। और दोस्तों, आज मैं आपके लिए खास न्यूज लेके आया हूँ जो यहाँ से उभर के आ रही है। और झारखंड के जो कैबिनेट द्वारा एक फैसला लिया गया है, मॉब लिंचिंग से मौत पर झारखंड में सजाए मौत की सजा दी जाएगी। और बंगाल के बाद झारखंड में लागू होगा प्रोबेशन ऑफ लिंचिंग एक्ट, या ड्राफ्ट तैयार किया गया है और जल्द इसका कानून बनने जा रहा है। तो सबसे पहले मैं बताते चलूं कि ये मॉब लिंचिंग होता क्या है। जब एक अनियंत्रित भीड़ द्वारा किसी दोषी को उसके किए अपराध के लिए या कभी कभी मात्र अफवाहों के आधार पर ही बिना अपराध किए भी तत्काल सजा दी जाए अथवा उसे पीट पीट कर मार डाला जाए, तो इसे भीड़ द्वारा की गई हिंसा या मॉब लिंचिंग कहा जाता है। अब सोचिए, एक निर्दोष कोई एक इंसान होगा, मान लीजिए वो कोई गलती नहीं किया होगा, ओनली उसको एक किसी धोखे से या अनियंत्रित भीड़ द्वारा कोई अफवाह से उसके दोषी मानकर सबके सामने पीट पीट कर अगर मार डाला जाता है, तो ये एक हिसाब से नेशनल क्राइम हो जाता है। और कहीं भी संविधान में ऐसे किसी निर्दोष इंसान को, या मान लीजिए कोई दोषी भी है, तो फिर भी उसको ऐसे सबके सामने मारने का कहीं पर भी एक नियम नहीं बनाया गया है। और अगर कोई दोषी पाया जाता है तो सबसे पहले तो लोगों का ये अपना कर्तव्य बनता है कि उसको पुलिस के हवाले कर दिया जाए, और उसके ऊपर आरोप लगाने के बाद अगर उसमें आरोपित को अगर उसका जुर्म साबित होने के बाद न्यायालय के द्वारा उसको आईपीसी पेनल कोड के तहत सजा दी जानी चाहिए, और लोग इसका भी समर्थन करना चाहिए, ना कि किसी के बहकावे में आके किसी को बुरी तरह पीट पीट कर मार डालना चाहिए। तो दोस्तों, ये भरा हुआ है। और दोस्तों, सबसे पहले तो ये बताते चलूँ, जब भी आपको कोई एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन में कहीं पर पोस्टिंग मिल जाती है, तो उस जगह से आपको ये इस तरह के घटनाओं का सामना करना को निशाना बनाते हैं, और उसको बुरी तरह से पीट पीट कर मार दिया जाता है। तो ये आपको हैंडल करना होगा, ताकि जो इस तरह की जो घटनाएं होती हैं, इसमें क्या होता है, एक जाति धर्म के आधार पर या अपने पर्सनल दुश्मनी को भी निकालने के लिए ऐसे अफवाहें फैलाकर लोगों को भ्रमित करके उनको एक उत्तेजित किया जाता है किसी एक आदमी को मारने के लिए। तो रिसेंटली झारखंड में भी ऐसे बहुत सारे घटनाएं हुई हैं, जो उसका एक प्रकाश में आगे वीडियो में डालूंगा, और आपको बताते चलूं कि ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है, ताकि आपको आगे एक अच्छा एक नागरिक बनने में और इसके साथ ही साथ आपको एक मजबूत फ्रेम मिल जाए आपके आने वाले एग्जाम्स में। हो सकता है इसमें से कोई पॉलिटिकल खंड से क्वेश्चन पूछा जाए, इसीलिए आप जरूर देखते रहिए वीडियो को आखिरी तक। तो देखिए, यहाँ पर जो फाइनली एक ड्राफ्ट बनाया गया है, द झारखंड प्रिवेंटेशन ऑफ लिंचिंग बिल 2021, जो अभी आपने सेशंस जो चालू हैं असेंबली के दिसंबर 16 से 22 तक जो चल रहे हैं, शीतकालीन सत्र हमारे झारखंड विधानसभा में, तो इसमें ये डन लिया गया है। और दोस्तों, बताते चलूं प्रावधान है, ये हम अभी देखते हैं। तो देखते हैं, झारखंड में अब मॉब लिंचिंग से किसी की मौत हो जाती है तो दोषियों को मौत की सजा मिलेगी, और इसके साथ ही 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। लिंचिंग में किसी को चोट आती है तो दोषी को 3 साल तक की सजा और 1 लाख रुपए से 3 लाख रुपए तक का दंड दिया जा सकेगा। और दोस्तों, वही अगर किसी को गंभीर चोट आती है तो दोषी को 10 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा और 3 से 5 लाख रुपए तक का जुर्माना किया जा सकेगा। ये कानून पश्चिम बंगाल में पहले लागू हुआ है, अब झारखंड में भी इस कानून को लागू किया जा रहा है। मॉब लिंचिंग की घटना रोकने के लिए राज्य सरकार ने द झारखंड प्रोबेशन ऑफ लिंचिंग बिल 2021 का ड्राफ्ट, मुख्य बिंदु है उसको मैं आपको बताते चलूं, उकसाने वालों को भी दोषी माना जाएगा। ऐसे देखा जाता है कि भीड़ में कभी कभी बहुत लोग ऐसे रहते हैं जो लोगों को बेवजह उकसाते हैं किसी एक को मारने या उसको मौत के घाट उतारने के लिए, तो ऐसे लोगों को भी नहीं बख्शा जाएगा।
और इसमें बहुत एक बड़ा फैक्टर रोल अदा करता है, मुझे तो लगता है जो डिजिटल प्लेटफॉर्म में जितने भी सोशल मीडिया है, जैसे आपका व्हाट्सएप हो गया या आपका ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया, इसमें क्या करते हैं लोग, आज कोई भी एक इंसिडेंट को मान लीजिए किसी को पकड़ा जाता है तो उसका वीडियो बनाने लगते हैं और उसको बेवजह अपने हिसाब से उसको एक टैग बना के लोगों को तक पहुंचाते हैं, और इसमें लोगों में रोष की भावना उमड़ जाती है, और अगर कोई इसको कोई रिलीजियस फॉर्म दे देता है तो उसमें बहुत सारे लोगों में आपस में भिड़ंत हो जाती है, इसमें बहुत सारे लोगों की जानें जा सकती है। तो इसीलिए ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बिल हमारे माननीय श्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा उनके अगुवाई में लाया गया है। और दोस्तों एक नज़र देखते हैं झारखंड में, अब तक जो बहुत ही बड़े बड़े मॉब लिंचिंग हुए थे, जो नेशनल लेवल पर एक बहुत बड़ा न्यूज बना हुआ था उसके ऊपर, तो देखिए दोस्तों साल है 2016, झारखंड मॉब लिंचिंग जब हुआ था वहाँ पे एक मुस्लिम कैटल ट्रेडर्स को टारगेट किया गया था, लातेहार की ये बात है, और 2016 में उसको और उसके साथ एक छोटे बच्चे को भी मार डाला गया था। उसके बाद बात करते हैं 17 जून 2019 की, जो 24 साल का एक युवक था तबरेज अंसारी का, ये जो मॉब लिंचिंग का जो खबर है, झारखंड में हर किसी को पता है, झारखंड के साथ साथ पूरी इंडिया में भी इसका बहुत बड़े पैमाने पर न्यूज़ चैनल्स ने इसको कवर किया था। नेक्स्ट दोस्तों 16 अप्रैल 2020, जो अभी की फिलहाल की बात है, और ये घटना है महाराष्ट्र की, तो एक हिंदू साधु और उसका एक ड्राइवर गढ़चिंचले विलेज के पास पाल घर, जो डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र का, वहां पर उनको टारगेट किया गया था और उनको भी इसी तरह पीट पीट के मारा गया था। तो ये देखिए दोस्तों ये कोई एक पर्टिकुलर स्टेट का प्रॉब्लम नहीं है, महाराष्ट्र हो गया, झारखंड हो गया, आसाम में भी देखा गया है, इस तरह से छत्तीसगढ़ में भी बहुत सारे ऐसे घटनाएं हो रही हैं जिससे लोगों की जाने जा रही हैं। और ये बताते चलो कि ये बहुत ही एक घिनौना काम है, जो भी इस काम में लिप्त रहते हैं उनको ऐसे काम नहीं करना चाहिए, जिसके लिए हमने हमारे लोगों को एक सूझबूझ के साथ उस समय किस तरह का प्रतिक्रिया करना चाहिए ये अपने ऊपर रहता है, किसी के बातों में बहकावे में आके कोई भी ऐसे कदम ना उठाए जाए ताकि सामने वाले का जान जा सके या जान। और दोस्तों इसमें इसके ऊपर एक कानून भी लाया जाना जरूरी है, जैसे कि अभी झारखंड में इस बिल के ऊपर डिस्कस किया जाएगा और उसके साथ इसको एक एक्ट में पारित किया जाएगा, अभी तक ये बिल के रूप में ही है। और दोस्तों एक शॉर्टकटली आपको बताते चलूं कि ये जो बिल है ये कैसे पारित किया जाता है। व्हाट इज ए बिल इज सेड टू बी अ ड्राफ्ट स्टेच्यू दैट इज प्रेजेंटेड इन आइदर हाउस। तो ये बताते चलो कि ये जो बिल होता है, सबसे पहले ये बताते चलो कि कोई भी एक मुद्दे के ऊपर जब किसी के द्वारा मतलब कहना है कि यहाँ पर जो विधान स्टेट में हो या सेंटर में हो, अगर सेंटर में है तो दो सदन होते हैं उसमें, लोकसभा राज्यसभा, और स्टेट में भी कहीं कहीं पर दो सदनीय होती है और कहीं कहीं पर एक सदनीय होती है। तो हमारे झारखंड में तो एक सदनीय आपका विधानसभा है, तो इसमें क्या किया जाता जाएगा, सबसे पहले जो मेंबर्स हैं विधानसभा के उनके द्वारा ये बिल सामने लाया जाएगा, उसके बाद ये उसके ऊपर एक आलोचना की जाएगी, उसके बाद उसको मेजोरिटी के साथ गवर्नर के पास भेज दिया जाएगा। तो देखते हैं ये बिल क्या होता है। देखिए टाइप ऑफ बिल्स जो है इसमें चार प्रकार के बिल होते हैं, एक होता है ऑर्डिनरी बिल जो आर्टिकल हमारे संविधान में लिखित है 107 और 108 में, उसके बाद एक मनी बिल आता है, फिर उसके बाद फाइनेंशियल बिल आता है, फाइनेंशियल बिल में आपको पता ही होगा आर्टिकल 110 में ये लिखा गया है, और इसके अंडर दो अलग फाइनेंशियल बिल 1 और फाइनेंशियल बिल 2 ये भी लिखित है 117 कड़ी का 1 और आर्टिकल 117 कड़ी का 3 में, और एक है स्पेशल बिल जो आर्टिकल 368 में मेंशन किया गया है, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, यानी अगर संविधान में कोई एक चेंजेस करना होता है या कोई एक नियम को अमेंडमेंट करना रहता है तो इस
स्पेशल बिल एक्ट जो आर्टिकल 368 है उसके तहत किया जाता है। तो देखिए किस तरह एक बिल एक लॉ में तब्दील हो जाती है। सबसे पहले जो बिल लोकसभा या राज्यसभा में पहले इंट्रोड्यूस किया जाता है, और अगर ये स्टेट की बात है तो विधानसभा या विधान परिषद में कोई भी इसको ला सकता है। उसके बाद इसको कमिटी हियरिंग में कोई एक मुद्दे पर, मान लीजिए फॉर एग्जांपल हाउसिंग के लिए, तो हाउसिंग के ऊपर जितने भी डिपार्टमेंटल कमिटीज वहां पर हैं या डिपार्टमेंट के जो लोग हैं उनके द्वारा जो कमेटी बनाई गई है वो इसके ऊपर एक गहन करते हैं, और उसके बाद उसके हियरिंग के बाद उसको आगे प्रोसीड किया जाता है। सभा के सदस्यों के द्वारा वोटिंग होती है, उसके बाद ये फिर से आपके कमिटी हियरिंग, और ये कमिटी हियरिंग के बाद दूसरे सदन को भेजा जाता है। तो यहाँ पर जो हियरिंग होती है, फर्स्ट हियरिंग और सेकंड हियरिंग और थर्ड हियरिंग के बाद ही दूसरे हाउस में इसको भेजा जाता है। उसके बाद दूसरे हाउस में यानी मान लीजिए और लोकसभा में पारित हुआ है और राज्यसभा में ये पहुंच गई है, तो उनके पास चार विकल्प रहते हैं। आइदर वो क्या करते हैं, बिल को पास करके असेंबली को भेज दिया जाता है, या और एक प्रोसेस होता है कि ये बिल जो अमेंडमेंट करने के लिए उसको रिटर्न कर दिया जाता है, या इसको रिजेक्ट कर दिया जाता है, या इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है और इसको ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। तो मैक्सिमम 6 महीने तक रहने के बाद वो लैप्स हो जाती है। तो इस तरह से क्या किया जाता है, कोई भी अदर हाउस से एक बिल पास किया जाता है। उसके बाद ये तीन रीडिंग होने के बाद वो गवर्नर के पास भेजा जाता है, और गवर्नर अगर उसको असेंट करते हैं यानी गवर्नर उसको अगर साइन करते हैं तो वो एक लॉ में तब्दील हो जाती है, और उसको पूरे राज्य में, अगर राज्य के वो राज्य का विधानसभा इसको बना रही है तो राज्य में, और अगर देश का अगर ये कोई कानून बना रहा है तो देश में पूरी तरह से ये लागू हो जाती है। सो आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू, और ये आपके लिए एक इंफॉर्मेटिव होने वाली है। और दोस्तों और देखते हैं ये जो बिल आने वाले दिनों में कितने कारगर होगी हमारे झारखंड में मॉब लिंचिंग को रोकने के लिए, ये हम इंतजार करेंगे। और अगर आपको मेरे इस चैनल से कुछ जानकारी मिली या आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर से जरूर इसको लाइक कीजिए, और दोस्तों आप अगर मेरे इस चैनल में नए हैं तो जरूर से जरूर इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और हाँ साइड में जो बेल आइकन है उसको दबाने ना भूलें, ताकि मेरे द्वारा जितने भी वीडियोज बनाए जाएंगे सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप इसका लाभ ले सकें। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो एंड लेट्स करें।